गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर क्लास. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन. ओके टुडेज आवर टॉपिक इज प्रीपोजिशन इन अ ग्रामर. ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन. ओके प्रीपोजिशंस. तो डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन की? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड अ नाउन. मीन्स प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो हमें वर्ड एंड नाउन के बीच का, बिटवीन मीन्स के बीच का रिलेशन शो कराता है. ओके मीन्स उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है वो हमें कौन शो कराता है? प्रीपोजिशन शो कराता है. हियर आर सम प्रीपोजिशंस. यहाँ पर सम प्रीपोजिशंस है लाइक इन, ऑन, ऑफ, एट, टू, अप, इनटू, विद, नियर, ओवर, फ्रॉम, बिटवीन, बिहाइंड, अमोंग, बीसाइड एंड अंडर. ये प्रीपोजिशंस यहाँ दी हुई है. ये ऑल जो भी मैंने रीड किए हैं फ्रॉम इन टू अंडर, इन से लेके अंडर तक, ये ऑल जो है प्रीपोजिशंस है. ओके तो डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन की? मीन्स परिभाषा. अ प्रीपोजिशन इज वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड अ नाउन. मीन्स प्रीपोजिशन वह वर्ड है या प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो हमें शो करता है, दिखाता है कि वर्ड एंड नाउन के बीच में क्या रिलेशन है. ओके एंड यहाँ पर सम प्रीपोजिशन दी है लाइक इन, ऑन, ऑफ, एट, टू, अप, इनटू, विद, नियर, ओवर, फ्रॉम, बिटवीन, बिहाइंड, अमोंग, बिसाइड एंड अंडर. राइट ना. द नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस. अ वर्ड और वर्ड पैरास दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस. मीन्स जो प्रीपोजिशन होते हैं ऐसे वर्ड या ऐसे वर्ड पैरास होते हैं जो हमें नाउन एंड प्रोनाउंस के बीच का रिलेशनशिप या फिर अदर वर्ड्स या अदर सेंटेंसेस के बीच का रिलेशनशिप हमें उसके बारे में दिखाते हैं या बताते हैं, हमें शो अप कराते हैं. ओके तो यहाँ पर दिया है अ प्रीपोजिशन विल टेल फोर थिंग्स. मीन्स जो प्रीपोजिशंस है यह हमें फोर थिंग्स कहती है. फर्स्ट इज वेयर समथिंग इज मीन्स लोकेशन के बारे में बताना. वेयर समथिंग इज लोकेशन मीन्स कोई भी थिंग्स जैसे रखी है तो हमें वो उसकी लोकेशन बताती है, उसकी जगह बताती है कि वह कहाँ है. देन वेयर समथिंग इज गोइंग मीन्स डायरेक्शन. जो प्रीपोजिशन है वो हमें इंडिकेट करती है, हमें डायरेक्ट करती है कि जो है कोई भी थिंग, जिस भी थिंग्स के बारे में हम जानना चाहते हैं वह कहाँ जा रही है. मीन्स डायरेक्शन बताता है कि वो किस ओर जा रहा है. देन थर्ड नंबर when something happens मतलब टाइम बताना कि वह किस समय
हो रहा है या किस समय हुआ या किस समय होगा, when, when, when. And fourth number, the relationship between a noun, pronoun and another word in a sentences. और जो है यह हमें noun या pronoun के बारे में या फिर जो other words या sentences है उनके बारे में relationship को भी बताता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टूड? ये प्रीपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अ वर्ड और वर्ड पैराज दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस. अब इसमें दिया है अ प्रीपोजिशन विल टेल फोर थिंग्स, मीन्स जो प्रीपोजिशन है वो हमें फोर थिंग्स के बारे में कहती है. फर्स्ट इज where something is means कहाँ है, location बताती है कि वह accurate किस place पर है, right? means किसके अंदर है कि बाहर है, कि उसके बाजू में है, कि उसके सामने है, in front of है, in है, out है, on है, into है, in front of है, behind है, right? तो ये क्या है, prepositions. तो ये हमें बताता है where something is, means उसके location के बारे में बताता है. सेकेंड इज where something is going मतलब वो कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन बताता है. वह कहाँ जा रहा है मीन्स डायरेक्शन, इसमें क्या आ जाता है, डायरेक्शन. देन when something happens मतलब कब हुआ, उसका टाइमिंग कब हुआ, उसका टाइमिंग बताता है. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंसेस. और जो ये है नाउन प्रोनाउन के बारे में रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप के बारे में जो है हमें उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में शो अप कराता है. ओके, द नेक्स्ट इन फर्स्ट पिक्चर में राइट किया है इन अ सेकेंड पिक्चर ऑन, इन अ थर्ड पिक्चर अंडर, इन अ फोर्थ पिक्चर नेक्स्ट टू, इन अ फिफ्थ पिक्चर बिहाइंड, इन अ सिक्स्थ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ एंड इन अ सेवेंथ पिक्चर बिटवीन, राइट. ये जो दी हुई है ये ऑल प्रीपोजिशन है. ओके, लाइक दिस फर्स्ट है इन, मतलब ये शो अप करा रहा है यहाँ पर जो बॉक्स दिए है, बॉक्स है ना, तो जो बॉल है वो बॉक्स में है. इन मीन्स होगा बॉक्स में, इन बॉक्स, बॉक्स में है. देन ऑन, इन अ सेकेंड पिक्चर ऑन, ऑन मीन्स होता है ऊपर. तो द बॉल ऑन द बॉक्स मीन्स जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है, इसलिए क्या आ गया, ऑन बॉक्स. देन अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे, अंडर मीन्स नीचे. तो द अंडर मीन्स नीचे. तो ये देखिए जो बॉल है ये कहाँ पर है, इस बॉक्स के नीचे है. तो द बॉल अंडर द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के नीचे है, अंडर द बॉक्स. ओके, देन नेक्स्ट टू मीन्स के बाजू में या के बाद, यानी इसमें क्या होगा कि बॉक्स, पहले बॉक्स है और फिर बॉक्स के बाद क्या है, बॉल है. द बॉल नेक्स्ट टू बॉक्स मीन्स जो बॉल है वो बॉक्स के बाद है, देन या बाजू में है. देन बिहाइंड, देन क्या है, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे,
बिहाइंड मीन्स पीछे. द बॉल बिहाइंड बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे है. बॉक्स बॉल है वो क्या है, बॉक्स के पीछे है. बिहाइंड मीन्स के पीछे. द नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, के सामने. जो बॉल है वो कहाँ है, बॉक्स के सामने. बॉल कहाँ है, बॉक्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ. एंड द लास्ट है बिटवीन. बिटवीन मीन्स होता है इन दोनों के बीच में. बिटवीन मीन्स के बीच, के बीच. तो जो लास्ट पिक्चर है इसमें क्या है कि जो बॉल है वो टू बॉक्स के बीच में है, तो होता है के बीच. ओके, डू यू अंडरस्टूड. इन मीन्स में, मीन्स इसके अंदर है. ऑन मीन्स के ऊपर. अंडर मीन्स के नीचे. नेक्स्ट टू मीन्स के बाद या के बाजू में. बिहाइंड मीन्स के पीछे. इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने. एंड बिटवीन मीन्स के बीच, बीच में. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब अब यहाँ पर मेनली थ्री प्रीपोजिशन दी है, एट, ऑन एंड इन. तो इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है. लाइक दिस एट, एट प्रीपोजिशन है. तो स्पेसिफिक टाइम, कोई भी जो स्पेसिफिक टाइम होता है, मीन्स पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं. तो आई वेक अप एट 7 o'clock. मीन्स पर्टिकुलर टाइम, हम जब भी हमें पर्टिकुलर टाइम बताना होगा तो हम उसके लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. आई वेक अप एट 7 o'clock. आई वेक अप एट 6 o'clock. ओके, देन शी रिटर्न होम एट midnight. शी रिटर्न होम एट midnight. शी रिटर्न होम एट night. ओके, तो इसके साथ एट प्रीपोजिशन होगी. एंड जो हॉलीडे पीरियड होंगे, हॉलीडे पीरियड जो होता है यानी हॉलीडे का समय, छुट्टियों का समय, उसके साथ भी जो है एट प्रीपोजिशन लगाई जाती है. एवरीवन सीम्स हैप्पी एट क्रिसमस. एवरीडे सीम्स हैप्पी एट क्रिसमस. ओके, देन आफ्टर है ऑन प्रीपोजिशन. ये तो एट प्रीपोजिशन के बारे में था, अब है ऑन प्रीपोजिशन. और काफ़ी सारे वर्ड्स में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक मीन्स हमें वीक के किसी भी डेज के बारे में बताना हो तो उसके साथ में हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑन. ओके डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट टेल मी हाउ मैनी डेज देयर आर इन अ वीक. हाउ मैनी डेज देयर आर इन अ वीक. वन वीक में कितने डेज होते हैं. देयर आर 7 days इन अ वीक. 7 days होते हैं. एंड विच विच संडे टू सैटरडे. संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अभी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता होगा कि उनको डे ही याद नहीं रहते होंगे, मुझे तो लगता है. बिकॉज हम स्कूल में जाते हैं तो एवरी डे हमें डेज पता होते हैं कि आज कौन सा डे है, फिर जो है टुमारो कौन सा होगा, एस्टरडे कौन सा था, राइट. बट अभी तो स्कूल न जाने की वजह से आई थिंक आप लोगों को डे भी याद नहीं रहते होंगे. एवरीडे बेटा आपको डे एंड डेट, एवरीडे आपको रिमेम्बर रहनी चाहिए. ओके, तो जितने भी जो डे नेम आएंगे उन सभी के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाता है. वी विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे.
अब यहाँ पर जो है वेडनेसडे दिया है, इसके प्लेस पर संडे से लेके सैटरडे तक जो भी डे आ जाए सभी के साथ हमें क्या लगाना है, ऑन। ओके, देन आफ्टर स्पेसिफिक डे, कोई भी जो स्पेसिफिक डे होते हैं, कंफर्म डे होते हैं, उनके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन लगता है। आई रिटर्न टू कंट्री ऑन द 27th, मैं जो है कंट्री 27th को वापस आऊँगा। देन है डेट्स, मीन्स दिनांक, तो जितनी भी जो डेट्स आती है, वी गेट टुगेदर ऑन क्रिसमस डे, वी गेट टुगेदर ऑन क्रिसमस डे, उनके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन लगता है। देन जो जितनी डेट्स होती है दिनांक, उनके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। देन आफ्टर है इन प्रीपोजिशन, देन आफ्टर इन प्रीपोजिशन, एंड इन प्रीपोजिशन में फर्स्ट है मंथ्स। अब जितने भी जो मंथ्स आएंगे, तो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मंथ्स देयर आर इन अ ईयर, हाउ मेनी मंथ्स देयर आर इन अ ईयर, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? वेरी गुड, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, राइट? तो ये जो 12 मंथ है, इन सभी के साथ जब भी हमें इनका नेम लेना होगा, लाइक दिस जनवरी फरवरी, तो हम क्या बोलेंगे, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जुलाई, ओके? एंड ऐसे ही जो बड़ी सिटीज होती है, क्या होती है, बड़ी सिटीज होती है, जो बड़े शहर होते हैं, जब भी हमें उनका नेम लेना होता है या फिर स्टेट्स का नेम लेना होता है, तो हम उनके फ्रंट में इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। बट वहीं अगर हम किसी छोटे गांव, छोटे विलेज की बात करें, तो विलेज के साथ हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। लाइक दिस, आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो जो क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन होता है, आई लिव एट भंडारा, आई लिव एट चोटीला, तो जो चोटीला है वो क्या है, चोटीला क्या है, एक विलेज है, छोटा प्लेस है, तो इसके साथ एट प्रीपोजिशन लगेगा। बट यही है, अगर हम गुजरात बोले, मुंबई बोले, दिल्ली बोले, तो इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन प्रीपोजिशन लगता है। जो बड़े स्टेट्स होते हैं, बड़ी सिटीज होती है, उनके फ्रंट में इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और जो विलेजेस होते हैं, छोटे स्मॉल टाउन, उनके साथ में एट प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ओके, एंड देन ईयर्स, जो साल होते हैं, लाइक दिस 1942, 1492, 1568, ये जो सन है, इनके फ्रंट में भी इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ओनली जब हम ईयर ही बताते हैं, तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। देन है सीजन्स, तो आई ऑलवेज गो टू द बीच इन द समर। अब जो भी सीजन्स के नाम बोलना है हमें, लाइक अ समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, तो हम ये जो सीजन राइट करेंगे, उसके फ्रंट में हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, आई एन इन प्रीपोजिशन। ओके, देन लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम मतलब टाइम के लेंथ, मतलब कितना मिनट्स, लाइक दिस 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 6 मिनट्स, तो ये लेंथ हो गई उसकी, तो इसके फ्रंट में भी इन 20 मिनट्स, इन 22 मिनट्स, मीन्स आई एन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। देन है सेंचुरीज, जो सेंचुरीज होती है, इनके फ्रंट में भी इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। देन आफ्टर है पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, इसमें दिया है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट। ओके, बट ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ द डे, वी विल हैव अ पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट, मतलब जहां पर हमें
डे के साथ साथ डे का पार्ट भी बताया जाता है कि किस टाइम पर हम कर रहे हैं, तो उसके फ्रंट में ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। ओके, ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। देन आफ्टर ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि जो प्रीपोजिशंस है, जो प्रीपोजिशंस है वो टाइम, लोकेशन एंड मोमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है। तो जब भी हमें टाइम के बारे में बताना होता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगती है, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फ्रॉम, टू, ऑन, अंटिल, अपॉन, थ्रू एंड बाय। एंड जब लोकेशन के बारे में बताना होता है, ऑन, बिहाइंड, इन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, एबो, बिलो, नियर, थ्रू, बिसाइड। एंड जब मूवमेंट के बारे में बताना हो तो अराउंड, अगेंस्ट, अक्रॉस, इनटू, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, डाउन, अप, टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल टुडे एंड टुडे इज योर होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है, एट फर्स्ट आपको होमवर्क में ये प्रीपोजिशन हेडिंग राइट करके उसकी ये डेफिनेशन एंड एग्जांपल राइट करने हैं। देन आफ्टर आपको ये प्रीपोजिशन जो राइट किया है ये पूरा आपको राइट करना है। देन नेक्स्ट ये ऐसे आपको फिगर बनाना है, थोड़ा इस टाइप से मैच करता हुआ, हल्का सा, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड बिटवीन। ओके, एंड ये राइट करेंगे एट, ऑन, इन एंड पार्ट्स ऑफ द डे। ओके, इतना होमवर्क आपको अपने ग्रामर की नोटबुक में राइट करना है। ओके बेटा, एंड दैट इज ऑल टुडे, आज इतना ही। एंड आपको क्या करना है, अपना जो होमवर्क आप सेंड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो अपना नेम प्लस सब्जेक्ट नेम नहीं भेजते हैं, सेपरेटली होमवर्क भेजना है आपको, रिपीट कर दे रहे हैं हम वन टाइम कि हर सब्जेक्ट का होमवर्क सेपरेट भेजना है प्लस अपना नेम प्लस सब्जेक्ट का नेम। ओके, ये नेसेसरी है। एंड जो भी आपका टाइमिंग है होमवर्क सेंड करने का, आप उसी टाइमिंग पे एवरीडे जो है होमवर्क सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।